स्वागत है दोस्तों आपका स्टॉक बिजनेस में। आज के इस वीडियो में हम आपको डबल बॉटम पैटर्न के बारे में जानकारी बताएंगे। यह पैटर्न एक लाइव स्टॉक पे बना हुआ है, इस स्टॉक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। यह स्टॉक यहाँ से कितना अपसाइड में जा सकता है, हमको इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और हमको इसमें आगे आने वाले समय में कितना टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम इस पैटर्न के बारे में पूरा बारीकी से अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि यह पैटर्न कितना बताए और कितना है, इतना इसका पोटेंशियल होता है अपसाइड जाने का और हमको इसके अंदर कितना मोटा मुनाफा हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं और इस स्टॉक का चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएक्टिफाइल्स नाम से कंपनी है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। इसका NSE कोड है TRIL, इसका NSE कोड है और आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसने स्टॉक ने अच्छी खासी एक अपसाइड बनाई हुई है। स्टॉक एक अच्छी ट्रेंड में बना हुआ है। तो इस स्टॉक पे बना हुआ है डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है और डबल बॉटम पैटर्न जब बनता है तो यह हम इसको हर एक टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसको 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक घंटे दो घंटे के चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। अगर होल्डिंग करना जानते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग का व्यू है, तो आप इसको वन डे वन वीक के चार्ट पे या वन मंथ के चार्ट पे आप इसको देख सकते हैं। चार्ट जितना बड़ा होगा, जितना बड़ी टाइम फ्रेम का होगा, उतने बड़े आपके टारगेट इसके अंदर निकल के आते हैं, उतने बड़े टारगेट आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक है, इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि अभी ये जो स्टॉक पे काम कर रहा है ये 40.80 प्राइस के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक में। अब हम बात करते हैं कि इस स्टॉक में डबल बॉटम का पैटर्न कहाँ इन्फॉर्म हुआ है, कहाँ पे हमको इसकी जानकारी देखने को मिलती है। हाल ही में देखते हैं तो कल स्टॉक ने 20% अपर सर्किट के साथ इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और काफ़ी अच्छा इसके अंदर पोटेंशियल नज़र आता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है ये है 1D का, तो हम इस टाइम फ्रेम को यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं हम 1 मंथ का। तो हम 1 मंथ का जैसे हम इसका टाइम फ्रेम मंथ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम का एक यहाँ पे इमेज आपके सामने नज़र आ जाता है। यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही होंगी जिसमें इस प्रकार का एक पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, इसके ऊपर हम डबल बॉटम जो है इसको हम यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ से पहले एक यहाँ पे हम लाइन ड्रा करते हैं, दूसरी यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं, यहाँ ड्रा किया हमने और इसके बाद हमने इसको अपसाइड में लेके गए। तो इस प्रकार का ये आप देख रहे हैं कि एक W की आकृति बनती है जिसमें इसका जो नीचे की लाइन है ये कहलाता है इसका पहला बॉटम होता है और ये कहलाता है इसका दूसरा बॉटम और ये डबल बॉटम हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम इसके लिए ऊपर एक नेकलाइन को ड्रॉ करते हैं तो यह बन जाती है, हमारी एक नेकलाइन बन जाती है। अब जब भी यह नेकलाइन यहाँ से ब्रेक होंगी तो स्टॉक में जो तेज़ी है यह अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। तो मतलब कि अभी ये 40.80 ये नेकलाइन के ऊपर ही अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है और स्टॉक अपना जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट बनाता है, 40.80 को यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से जैसे स्टॉक अपसाइड में निकलता है, मतलब कि अगर स्टॉक में 44 के लेवल अगर स्टॉक होल्ड करना यहाँ से स्टार्ट करता है तो हमको इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में स्टॉक जो है ये 50-60 से लेकर 80 रुपये तक के हमको भाव ये इमिडिएटली जल्दी ही दिखा सकता है। तो इस प्रकार का पैटर्न इस स्टॉक में फॉलो हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर हमको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर बात होती है स्टॉप लॉस की कि स्टॉप लॉस हम कहाँ पे इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का जो एरिया निकल के आता है वो इसका नेकलाइन के नीचे का एरिया निकल के आता है, तो आप हो सकते इसके अंदर 35 या 31 के आसपास का इसके अंदर एक बड़ा स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर मेंशन करना होगा। अगर आप इसके अंदर लंबा पोजिशन आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है आप देख रहे हैं इसके अंदर टाइम फ्रेम जो है काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसके अंदर होल्डिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा बनेगा। हो सकता है इसके अंदर 3 से 6 महीने के लिए आपको वेट भी करना पड़ सकता है, तो इतना इसके अंदर वक्त लग सकता है। तो यह एक डबल बॉटम का पैटर्न है जो हमने आपको बताया है, यह हर एक टाइम फ्रेम पे हमको मिल सकता है। अगर इस प्रकार का पैटर्न आपको 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में मिलता है तो आप इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ये 1 डे 1 वीक 1 मंथ के लिए मिलता है तो आप इसके अंदर होल्डिंग के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का पैटर्न इसके अंदर फॉलो हुआ है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर हमको पोटेंशियल नज़र आता है। तो यह वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन के लिए है, आप अगर इसके स्टॉक को बाय करते हैं तो आप अपने रिसर्च इसके स्टॉक के ऊपर कीजिए। यह
सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है, हमारे किसी भी व्यक्ति को स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से संबंधित ऐसी अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए स्टॉक बिजनेस के साथ। नमस्कार।